हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार मुद्गल आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान और उसके सभी चैप्टर हम धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं। अब तक हमने जैसे कि हमने कोशिका विज्ञान पढ़ ली है, इसके अलावा हम जो मानव के पाचन तंत्र है उसका अध्ययन किया, इसके अलावा हमने श्वसन तंत्र का अध्ययन किया। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक नया तंत्र लेकर आए हैं आपके सामने, उसके बारे में जानते हैं कि जो कंकाल तंत्र है वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या इसके अंदर संरचनाएं पाई जाती हैं, तो उन सभी का आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, तो बने रहें हमारे साथ और देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कंकाल तंत्र होता क्या है। स्केल्टन सिस्टम, तो सबसे पहले तो इसको जानते हैं कि कंकाल तंत्र होता क्या है, इसका काम क्या है हमारे शरीर के अंदर। तो आप सभी ने देखा होगा कि जैसे कि हमारा जो बाहरी आवरण है, जो कि जैसे हमारे जो शरीर पर रोम पाए जाते हैं, जो हमारे नाखून हैं, हमारे बाल हैं, ये सब एक तो हमारे को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो हमारा शरीर का ढांचा जिससे निर्मित होता है वो किससे होगा, हमारी अस्थियों से होता है, हमारी उपास्थियों से होता है। हमारे जो अस्थि और उपास्थियां मिलकर क्या बना रही है, हमारे शरीर का ढांचा बना रही है। तो हमारे शरीर का मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो ढांचा बनाने का काम, कि हमारे शरीर की वे संरचनाएं जो हमारे शरीर का क्या बनाती हैं, ढांचा बनाती हैं, एक फ्रेम बनाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र में रखा जाता है। तो वो सभी संरचनाएं मिलकर जिस तंत्र का निर्माण कर रही हैं वो क्या कहला रहा है, कंकाल तंत्र कहला रहा है। अब इसका एक मुख्य काम क्या हो गया, एक तो ढांचा बनाने का, दूसरा मुख्य कार्य क्या हो गया, हमारे शरीर को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। क्या करता है, यांत्रिक सहारा, यांत्रिक सहारा, यानी कि हमारे शरीर को सीधा खड़ा रखने के लिए उपयोगी है, हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है और बाहरी जो आघात है उनसे भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमारे को यांत्रिक सहारा भी कौन प्रदान कर रहा है, कंकाल तंत्र। तो अगर इस कंकाल तंत्र की मैं बात करता हूं, ठीक है, तो इसको दो पार्टों में डिवाइड किया जा सकता है। अब कौन कौन से पार्ट हैं उन्हें देखते हैं। तो इसको दो पार्टों में, एक तो होता है बाह्य कंकाल, क्या होता है, बाह्य कंकाल, एक्सो स्केल्टन, और एक होता है आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल, एंडोस्केल्टन। क्या क्या हो गया, दो भागों में बांटा गया, बाह्य कंकाल तथा आंतरिक कंकाल। तो जैसा इसका नाम है बाह्य कंकाल, मतलब यह हमारे शरीर के कहां होगा, बाहर की ओर, कहां होगा, बाहर की ओर होगा। एक मुख्य विशेषता इसकी कि बाह्य कंकाल कैसा होता है, निर्जीव होता है। कैसा होता है जी, निर्जीव। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा बाह्य कंकाल है वो कैसा होता है, निर्जीव होता है। अगर मैं इसके निर्माण की बात करता हूं, अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण एपिडर्मिस, किससे, एपिडर्मिस, जिसको कहते हैं बाह्य अधिचर्म, बाह्य अधिचर्म, इससे इसका निर्माण होता है। यानी कि बाह्य कंकाल के बारे में हमने तीन बातें देखी, कि यह हमारे शरीर के बाहर की ओर होता है, दूसरा यह निर्जीव होता है, और तीसरा इसका निर्माण है वो किससे होता है, एपिडर्मिस या अधिचर्म से इसका निर्माण होता है। और अगर अब इसके बारे में, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसके एग्जाम्पल में आएंगे कौन कौन, एक तो हमारे हेयर्स, जो हमारे रोम है या बाल है, रोम, इसके अलावा नेल्स, जो हमारे नाखून है, वो किसमें आते हैं, हमारे बाह्य जो कंकाल तंत्र है इसका निर्माण करते हैं। कौन कौन, एक तो हमारे बाल, ठीक है, और एक हमारे नाखून। तो ये चीज आपको समझ में आई। अब अगर मैं बात करता हूं आंतरिक कंकाल की, किसकी, आंतरिक कंकाल की, तो ये जो आंतरिक कंकाल होता है यह अंदर की ओर होता है,
सीधी सीधी बात है कि अंदर की ओर। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि अगर यह कैसा है, निर्जीव है, तो यह कैसा होगा, सजीव होता है। कैसा होता है, यह सजीव होता है। सजीव और निर्जीव के बारे में हमने पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें बात कर चुके हैं कि सजीव कौन होते हैं और निर्जीव कौन होते हैं। तो आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और हमारे पूरे जनरल साइंस की प्लेलिस्ट है उसको ओपन करके वहां से ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें सजीव और निर्जीव के अंतर बता रखे हैं। तो ये कैसा होगा, ये निर्जीव है तो वो कैसा होगा, सजीव होगा। अब इसके निर्माण की बात करता हूं। तो अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण मीजोडर्म से होता है, यानी भ्रूणीय मीजोडर्म, भ्रूणीय मीजोडर्म से इसका निर्माण होता है। कि जब भ्रूण का निर्माण होता है उस वक्त, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भ्रूण का निर्माण होता है तो उस वक्त तीन जो ये चर्म है इनका निर्माण होता है भ्रूणीय चर्म का, जिसके अंदर कौन कौन से होते हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। तो इनमें से जो मीजोडर्म है उससे किसका निर्माण होता है, आंतरिक कंकाल का निर्माण होता है। अब अगर इस आंतरिक कंकाल की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन आते हैं, हमारी बोन्स यानी कि अस्थियां, इसके अलावा कार्टिलेजेस यानी कि उपास्थियां। कौन कौन आ गया, इसके अंदर बोन्स आ गई, हमारी अस्थियां हैं और हमारी उपास्थियां हैं, यानी हमारी अस्थियां और उपास्थियां दोनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं, आंतरिक कंकाल का निर्माण करती हैं। और इन दोनों को अगर मैं एक वर्ड लिखूं इनके लिए तो ये क्या होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं। जब हम ऊतक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे कि ये संयोजी ऊतक होते हैं, कौन, अस्थियां और उपास्थियां हमारी संयोजी ऊतक में आती हैं। तो इस तरीके से इसको दो पार्टों में बांटा गया, सबसे पहले बाह्य और आंतरिक कंकाल में। आपको ये समझ में आया तो पहले एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद में बात करते हैं आंतरिक कंकाल की, क्योंकि कंकाल तंत्र का निर्माण जो अस्थि और उपास्थियों से मिलकर हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि अस्थियां कितनी होती हैं, इनकी जो संरचना है किस तरीके की होती है, कहां कौन सी अस्थि पाई जाती है, पूरे शरीर का जो कंकाल तंत्र है वो कितने प्रकार की अस्थियों से मिलकर बना होता है। तो आज इसी के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो अब मैं बात करता हूं एंडोस्केल्टन की, आंतरिक कंकाल की, आंतरिक कंकाल। अगर मैं इस एंडोस्केल्टन की बात करता हूं जिसके अंदर हमारी अस्थियां आ रही हैं, ठीक है, तो अगर इन अस्थियों की बात करते हैं तो इनको दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आंतरिक कंकाल को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, दो पार्टों में, ठीक है। आप आराम से इसको नोट डाउन करते जाना, मैं आपको ये पूरा चैप्टर सिर्फ फ्लो चार्ट के रूप में बताऊंगा कि आपको तीन चार स्क्रीनशॉट लेने हैं या आप इसको नोट कर लें ताकि जब भी आप इसको रिवाइज करेंगे बस वो स्क्रीनशॉट देखा और सब याद हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है हमारा, एक होता है एक्सियल यानी अक्षीय कंकाल, कौन सा होता है, अक्षीय कंकाल, और एक होता है अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर यानी उसको कहते हैं हम उपांगीय, उपांगीय कंकाल। यानी हमारा जो आंतरिक कंकाल है वो अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल दो में बटा होता है। इसके अंदर जो अस्थियां होती हैं वो अक्षीय में आती हैं और इसमें जो अस्थियां होती हैं वो उपांगीय में आती हैं। अगर इनके संख्या की बात करते हैं तो अक्षीय कंकाल के अंदर 80 अस्थियां पाई जाती हैं, बोन्स पाई जाती हैं, और अगर अपेंडिकुलर की बात करता हूं तो इसके अंदर 126 यानी कि 126 अस्थियां पाई जाती हैं। आपको सभी अस्थियों की संख्या यहां बताई जाएगी क्योंकि जो परीक्षा में क्वेश्चन आता है वो मोस्टली अस्थियों की संख्या से रिलेटेड आता है या इनकी कहां पर स्थिति है वहां से रिलेटेड आता है। तो आपको ये एक एक की स्थिति पूरी याद रखनी पड़ेगी। तो इसके अंदर कितनी अस्थियां हो गई, 80 अस्थियां हो गई।
इनको अगर वर्गीकृत किया जाए आगे और अधिक वर्गीकृत अगर इसको किया जाए तो एक्सियल में, देखिए अक्षीय जो कंकाल है उसका मतलब हो गया कि हमारे शरीर का अक्ष, अक्ष का मतलब होता है एक धुरी, जो सीधी रेखा में जो अस्थियां हैं हम उसकी बात करेंगे जो हमारे शरीर को एक सीधी रेखा में रखते हैं, यानी हमारी सबसे पहले खोपड़ी वाली बात आएगी यानी हमारी करोटी की अस्थियां, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो हमारे कशेरुक दंड जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसकी अस्थियां आएंगी। इसके अलावा जो हमारा वक्ष भाग बनाती है, वक्षीय कोटर बनाती है यानी अस्थि पंजर जो हमारी पसलियां हैं वो इसके अंदर आती हैं। और इसके अलावा एक अस्थि जो कि सामने वाली अस्थि होती है जिसको हम कहते हैं स्टर्नम, वो इसके अंदर आती है। तो एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसकी, स्कल की, यानी कि हमारी करोटी। क्या है ये, करोटी। इसके बाद में सेकंड करोटी की हो गई। करोटी के बाद में जब पीछे की बात करते हैं तो उसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, यानी कशेरुक दंड, कशेरुक दंड। इसके बाद में कशेरुक दंड हो गई तो हमारा जो वक्ष भाग का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं हमारी रिब्स, यानी कि पसलियां। पसलियों के बाद में जो एक अस्थि होती है उसको हम कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं हम उसे, स्टर्नम। यानी हमारा जो अक्षीय कंकाल है, ध्यान से समझना, जो हमारा अक्षीय कंकाल है वो चार प्रकार की, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक दंड और पसलियां तथा स्टर्नम, इन सभी से मिलकर बना होता है जो हमारे शरीर को एक सीधी रेखा में रखने का कार्य करता है, ठीक है। अब इनके अंदर कितनी कितनी अस्थियां पाई जाती हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो स्कल की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर 29 अस्थियां पाई जाती हैं। वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं तो इसके अंदर कितनी होंगी, 26 होती हैं। अगर पसलियों की बात करते हैं तो ये कितनी होती हैं, 24 होती हैं या 12 जोड़ी होती हैं। और स्टर्नम जो है वो कितनी होती है, एक अस्थि होती है। आपके सामने है कि हमारी जो स्कल है, ठीक है, उसमें कितनी अस्थियां हो गई, 29 अस्थियां हो गई। वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर कितनी हो गई, 26 हो गई। रिब्स में कितनी हो गई, 24 है। और हमारी जो स्टर्नम है उसके अंदर कितनी है, एक अस्थि है। अब इनमें भी जो हमारी करोटी है, जो हमारा जो खोपड़ी वाला भाग है, इसको भी चार पार्टों में डिवाइड किया जाता है। अब इसमें चार पार्ट कौन कौन से हैं, मैं इस तरफ लिख रहा हूं, आप नोट करते जाना इनको कि इसके जो चार टाइप हैं कौन कौन से। पहला क्रेनियम, दूसरा क्रेनियम को बोलते हैं हम खोपड़ी वाला भाग, क्रेनियम वाला भाग हो गया। फिर होता है हमारा फेशियल, यानी कि चेहरे की अस्थियां, चेहरे की अस्थियां हो गई। उसके बाद में आती हैं ईयर वाली, यानी कि कर्ण अस्थि। और कर्ण अस्थि के बाद में एक लास्ट संरचना होती है जिसे कहते हैं हायोइड एपरेटस, ठीक है। ये हायोइड एपरेटस के बारे में तो हमने पहले बात कर भी ली है, जब हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जीभ होती है वो हमारी जीभ इस हायोइड एपरेटस के पास जाकर पीछे वाले भाग में जो ग्रसनी के पीछे होता है वहां पर जुड़ी हुई होती है। अब अगर इस खोपड़ी वाली संरचना इसकी बात करता हूं तो इसमें कितनी अस्थियां होती हैं, 8 अस्थियां होती हैं। चेहरे वाले अस्थियों की बात करते हैं तो इसमें कितनी होती है, 14 अस्थियां होती हैं। कर्ण की बात करते हैं तो कितनी होती हैं, 6, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 3+3 कि 3 अस्थियां एक तरफ और 3 अस्थियां एक तरफ। और हायोइड एपरेटस कितना होता है, 1 होता है। टोटल कर सकते हैं आप इसका, कितना आ रहा है टोटल इसका, 29। यानी हमारी जो स्कल है उस स्कल में चार प्रकार की अस्थियां होंगी, कुछ क्रेनियम वाली होंगी। क्रेनियम का मतलब होता है हमारा जो ऊपर वाला ये सिर बनाती है, यानी हमारे मस्तिष्क को आवृत करने वाली जो अस्थियां होंगी वो किस में आएंगी, क्रेनियम में आएंगी। फेशियल का मतलब जो हमारे चेहरे का निर्माण करती है वो अस्थियां किस में आती हैं, चेहरे की अस्थियों में आती हैं।
ईयर यानी जो हमारा कान है, इस कान के अंदर तीन अस्थियां इधर और तीन अस्थियां इधर होती हैं, ठीक है। ये भी तीन कौन कौन सी होती हैं आपको पता होगा, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, जिसमें आपने सबने पढ़ा होगा कि जो स्टेपीज होती है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है, ठीक है। इसके बाद में जो हायोइड एपरेटस है जिसके अंदर एक अस्थि होती है जो हमारे ग्रसनी के पीछे वाले भाग में होती है। तो इस तरीके से इसमें भी चार प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम मतलब हमारा कशेरुक दंड, कि जो हमारा कशेरुक दंड है उसमें कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, जब हमारा जन्म होता है उस वक्त कितनी अस्थियां होती हैं, बाद में जब हम वयस्क हो जाते हैं तब कितनी अस्थियां हो जाती हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम यानी कि कशेरुक दंड। इस कशेरुक दंड में कितनी अस्थियां होती है, अभी मैंने बताया आपको 26। कितनी होती है? 26 अस्थियां होती हैं। इन 26 अस्थियों को भी पांच प्रकार में बांटा गया है, यानी कि पांच अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अस्थियां पाई जाती हैं। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो पांच कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले जो कशेरुक दंड है उसका जो हिस्सा है यहां से शुरू होता है हमारे, तो सबसे पहले आती है सर्वाइकल, सर्वाइकल इसको कहते हैं ग्रीवा, ग्रीवा कशेरुक, क्या कहते हैं? ग्रीवा कशेरुक, सर्वाइकल या ग्रीवा कशेरुक यानी कि हमारे गर्दन की अस्थियां। इनकी टोटल संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7 कशेरुके होती हैं। अब कशेरुकों की एक मुख्य विशेषता होती है, आप इसको ध्यान से सुनना, कि जो कशेरुके होती हैं हमारी जितनी भी, इनके मध्य में अगर मैं इस तरीके से संरचना की बात करता हूं, इस तरीके से इनकी संरचना बनती है और एक के बाद एक ये जुड़ती जाती हैं, तो इनके मध्य में यहां पर इस भाग में उपास्थियों की बनी हुई प्लेट पाई जाती है, ठीक है, जो कि इन कशेरुकों को एक दूसरे के ऊपर टूटने से रोकती है। अगर ये कभी किसी चोट की वजह से हट जाती है, यहां से हट जाती है, तो दोनों कशेरुक आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, यानी कि भिड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें दर्द का अनुभव होता है। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? स्लिप डिस्क, जो कहते हैं ना डिस्क हट गई है यहां से। ये डिस्क कौन सी होती है? ये उपास्थि की बनी हुई विशेष डिस्क होती हैं, उपास्थियां होती हैं, जो कि जो हम उछल कूद करते हैं या किसी ऊंचाई से कूदते हैं तो ये एक तरीके से सस्पेंशन का कार्य करती हैं। तो अगर इन ग्रीवा कशेरुकों की बात करते हैं तो टोटल संख्या कितनी हो गई इनकी? 7 होती है। इन 7 में भी इंपॉर्टेंट है 2। पहली कशेरुक जिसको कहते हैं एटलस, और सेकंड जो होती है उसको कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्सिस। जो एटलस होती है ये सबसे पहली कशेरुक होती है और इसी को एक दूसरा नाम भी कहा जाता है, यस बोन। क्या कहते हैं? यस बोन। और इस एक्सिस को कहते हैं नो बोन। अब ये क्यों कहते हैं वो समझना, कि जो एटलस होती है ये सबसे ऊपरी होती है, इसकी मदद से हमारी जो गर्दन है वो इस तरीके से ऊपर नीचे गति कर पाती है। तो जब हम किसी चीज के लिए यस बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, तो हम यूं ही तो करते हैं। और जो एक्सिस होती है वो इस एटलस के जस्ट नीचे होती है। एक्सिस का मतलब होता है धुरी, मतलब कुछ इस तरीके की ये अस्थि होती है और इसके ऊपर एक दूसरी अस्थि है एटलस टिकी हुई होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से ही जो हमारी गर्दन है वो इस तरीके से साइडों में गति कर पाती है, रोटेट कर पाती है। घूर्णन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? एक्सिस की वजह से होता है। और जब हम किसी भी बात के लिए ना कहते हैं तो हम कैसे करते हैं? यूं करते हैं। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? नो बोन कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यस बोन कौन सी होती है और नो बोन कौन सी होती है, आपको याद रखना है।
इसके बाद में जब सर्वाइकल हो गया तो सर्वाइकल के बाद में आती है नेक्स्ट थोरेसिक। थोरेसिक को कहते हैं वक्षीय, वक्षीय कशेरुक। ये वक्षीय कशेरुक जो होती हैं, इनकी संख्या की अगर मैं बात करूं तो इनकी संख्या होती है 12। कितनी होती है? 12 इनकी संख्या होती है। अब ये क्यों होती है? तो आप सभी को पता है जो हमारे पसलियां हैं, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि जो हमारे पसलियां हैं वो कितनी होती हैं, 24 होती हैं, यानी कि 12 जोड़ी होती हैं। और इन पसलियों के बारे में हमने श्वसन तंत्र में भी पढ़ा था कि जो हमारी पसलियां होती हैं, ऊपर की तरफ अगर मैं इसको कशेरुक दंड मानता हूं तो यूं इस तरीके से जुड़ी हुई होती है यहां आगे स्टर्नम से। ये मैंने पहले आपको बताया है और अभी इसकी संरचना दिखा दूंगा आपको। तो इस तरीके से ये जुड़ी होती है। प्रत्येक जो कशेरुक होती है, इस प्रत्येक कशेरुक से एक जो पसली होती है वो जुड़ती है एक तरफ से और दूसरी तरफ से जुड़ती है आपके स्टर्नम से। इस तरीके से, इस तरीके की एक संरचना बनती है, एक पिंजरे का निर्माण होता है, ठीक है, जिसे हम वक्षीय कोटर कहते हैं। ये पूरा जो एयर टाइट जो चैम्बर बनता है वो इसी की वजह से बनता है। तो जितनी कशेरुक हैं, 12 कशेरुक हैं, तो 12 कशेरुक से 12 पसलियां निकलती हैं, ठीक है, और आगे की तरफ जाकर स्टर्नम से जुड़ती है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसके बाद में आता है लुम्बर, इसको कहते हैं कटी या कमर, कमर की कशेरुक। और इनकी संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो इनकी संख्या होती है 5। कि जो कटी वाला भाग है हमारा, कमर वाला भाग है, इसके अंदर कितनी कशेरुक होती हैं? 5 कशेरुक होती हैं। इसके बाद में एक होता है सैक्रल और एक होता है कोडल, इसको कहते हैं पुच्छीय, पुच्छीय कशेरुक। और इनकी संख्या की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों की संख्या कितनी होती है? 1-1 होती है। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। समझना कैसे पूछा जाता है? यहां से क्या कहता है वो कि जो सैक्रल और कोडल हैं, ये मानव में 1-1 होती हैं, लेकिन जिन जंतुओं में पूंछ पाई जाती है उनके अंदर इनकी संख्या ज्यादा पाई जाती है। जो ये होती हैं, सैक्रल होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और जो कोडल होती है, इनकी संख्या होती है 4 होती है। ध्यान देना, आपने कभी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो तो अभी देखना कि जितने भी पुच्छीय जीव हैं या स्तनधारी जो जीव हैं उनके अंदर कुल कशेरुकियों की संख्या, कशेरुकियों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, 33 होती है। लेकिन मानव में, ह्यूमन में कितनी होती है? 26 होती है। तो ये जो बाकी बची हुई 7 हैं वो कहाँ गई? वो क्या होता है कि जो ये 5 होती हैं, 5 अस्थियां होती हैं, ये अस्थियां आपस में जुड़ जाती हैं, इनका फ्यूजन हो जाता है आपस में और जुड़कर ये क्या बन जाती है? 1 बन जाती है। यानी कि कितने का लॉस हो गया यहां पर? 4 का लॉस यहां पे हो गया। और ये 4 अस्थियां पहले थी, अब 1 इससे बन गई, तो कितने का लॉस हो गया? 3 का लॉस हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 7 हो गया। यानी कि कुल 7 कशेरुकियों का लॉस हो जाता है और हमारे अंदर कितनी पाई जाती हैं? केवल 26 पाई जाती हैं। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि टोटल कितनी होती है स्तनधारियों में? 33 होती हैं, लेकिन मानव में कितनी होती हैं? 26 होती हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सर्वाइकल में कितनी? 7। थोरेसिक या वक्षीय में कितनी? 12। लुम्बर या कटी या कमर वाली में कितनी? 5। और सैक्रल और कोडल में कितनी? 1-1 कशेरुक पाई जाती है। टोटल कितनी हो गई है? ये 26 हो गई है। एक स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करता हूं रिब्स, जो हमारी पसलियां हैं। पसलियों की अगर मैं बात करूं तो कितनी पसलियां होती हैं हमारे टोटल? अभी मैंने बताया था आपको 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, यानी टोटल 24 पसलियां हमारे पाई जाती हैं। ये पसलियां एक तरफ से तो किससे जुड़ी होंगी? कशेरुक दंड से, उसकी प्रत्येक कशेरुकी से, और दूसरी तरफ किससे जुड़ी होती हैं? स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। अगर बात करते हैं किसकी? रिब्स की। पसलियां, ये पसलियां
टोटल हमारे अंदर कितनी है, आप ये कह सकते हो 24 पसलियां हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 जोड़ी। क्लियर है। इनकी बात करें तो अभी संरचना जैसे मैंने बताई थी आपको कि इस तरीके से जो कशेरुके होते हैं इनके एक हेड यानी कि पसली का एक सिरा तो इनसे जुड़ा होता है, और दूसरा सिरा कहां, जो सामने पाई जाने वाली है स्टर्नम है, ये सामने वाली जो अस्थि है जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, इससे जुड़ा होता है। यानी कि जो पसलियां होती हैं वो कैसी होती हैं, डबल हेडेड होती हैं, इनके दो सिर पाए जाते हैं, दो सिरे पाए जाते हैं, एक सिरा कशेरुका से और दूसरा सिरा स्टर्नम से जुड़ा होता है। एक चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, पसलियों की अगर बात करें तो इन पसलियों को कितने पार्टों में, तीन भागों में, यानी कि तीन प्रकार की पसलियां बताई गई हैं। सबसे पहले ट्रू रिब्स, वास्तविक पसलियां, वास्तविक पसलियां। नेक्स्ट आती है फॉल्स, फॉल्स रिब्स, आभासी पसलियां, और एक होती है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग रिब्स, यानी कि तैरती पसलियां। कितने प्रकार की होती हैं पसलियां, तीन प्रकार की होती हैं, वास्तविक पसलियां, आभासी पसलियां तथा जो हमारी तैरने वाली पसलियां। अब इनकी अगर मैं बात करता हूं तो जो ट्रू रिब्स होती हैं इनकी संख्या कितनी होती है, ये होती हैं 7, यानी कि पहले से लेकर 7 तक। कौन सी होती हैं, ट्रू रिब्स होती हैं। 8 से लेकर 10 तक कौन सी होती हैं, फॉल्स वाली होती हैं, और एक होती हैं जो कि हैं फ्लोटिंग, ये कौन सी होती हैं, 11वीं और 12वीं जो पसलियां होती हैं वो कौन सी होती हैं, फ्लोटिंग होती है। अब इनका मतलब समझना आप कि किस तरीके से कहना चाह रहा है। आपको ये दिख रहा है, ये पसलियां आपको दिख रही हैं, इसका एक सिरा यहां कशेरुका से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है, स्टर्नम से। किससे जुड़ा हुआ है, स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। तो जिन पसलियों के दोनों सिरे इस तरीके से जुड़े होते हैं वो क्या कहलाती हैं, वास्तविक पसलियां कहलाती हैं। कि जिन पसलियों का एक सिरा तो कशेरुका से तथा दूसरा सिरा किससे, स्टर्नम से जुड़ा होता है, वो क्या कहलाती हैं, आपकी वास्तविक पसलियां कहलाती हैं। अगर बात करते हैं फॉल्स रिब्स की, यानी कि आभासी पसलियों की, तो इनमें क्या होता है कि जैसे मानते हैं कि ये 7 नंबर की पसली थी, यहां पे 8वीं कशेरुक है, ये 9 और ये 10, इस तरीके से ये बनी हुई है। अब होगा क्या, यहां से जो पसली निकलेगी, इस जगह से जो पसली आएगी, ये क्या करेगी कि सीधी स्टर्नम से न जुड़कर 7वें नंबर की पसली से जुड़ेगी, 9 नंबर वाली किससे जुड़ेगी, 8वें से जुड़ेगी, और 10 वाली किससे जुड़ेगी, 9 नंबर से जुड़ती है। यानी इसकी जो आकृति है वो कुछ इस तरीके से बनती है कि 8 वाली जो पसली है वो 7 से, 9 वाली 8 से और 10 वाली 9 से। यानी इनका एक सिरा तो कहां, कशेरुका से जुड़ा होता है, लेकिन दूसरा सिरा अपने से पहले वाली पसली से जुड़ा होता है। इस वजह से इनको क्या कहते हैं, आभासी पसलियां कहते हैं, फॉल्स कहते हैं। ये पसलियों की जो पूरी विशेषता है कि एक सिरा इससे और एक इससे जुड़ना चाहिए, वैसा इनका नहीं होता है। इनका एक सिरा तो क्या होता है, कशेरुका से जुड़ा होता है, और दूसरा सिरा अपने से पहले वाली जो पसली है उससे जुड़ा होता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स कहते हैं। समझ में आ गई ये बात। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोटिंग रिब्स की, तैरती हुई पसलियां। इनमें क्या होता है कि अगर मानते हैं कि ये 11 और 12 नंबर की कशेरुका है, कौन सी है, 11 और 12 नंबर की, अगर इनकी बात करते हैं तो ये वाली पसलियां क्या होती हैं, यहां से तो जुड़ी होती हैं, लेकिन ये आगे की तरफ जाकर ना तो एक दूसरे से जुड़ती हैं, ना अपने से पहले वाली से जुड़ती हैं, और ना ही स्टर्नम से जाकर जुड़ती हैं, केवल इस तरीके से तैरती रहती है। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। 11वीं और 12वीं पसली को फ्लोटिंग या तैरती हुई पसलियां कहते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि पसलियां कितनी होंगी, टोटल 24 होंगी या 12 जोड़ी होंगी।
ट्रू फॉल्स और फ्लोटिंग यानी कि वास्तविक पसलियां, आभासी और तैरती हुई पसलियां किस तरीके से होती है, कितनी होती है और कौन कौन से इनके नंबर है आपको पता लग गया। एक स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद में बात करते हैं, एक जो बच गया है इसका पार्ट, रिब्स के बाद में ये क्या है, स्टर्नम। तो स्टर्नम के बारे में हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि स्टर्नम क्या होती है, हमारे जो वक्षीय गुहा है उसके सबसे आगे वाली अस्थि होती है, ये फ्रंट वाला भाग बनाती है, ठीक है, और इससे जो हमारी पसलियां हैं वो आकर जुड़ती हैं और इसकी संख्या कितनी होती है, एक होती है, ये हमारे एक होती है। अब इस तरीके से जो हमारा ये अक्षीय कंकाल है वो कंप्लीट होता है। अक्षीय कंकाल में हमने अब तक क्या पढ़ लिया है, अक्षीय कंकाल में सबसे पहले हमने करोटी की अस्थियां पढ़ी, 29 अस्थियां, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, इसके बाद में जो हमारी कशेरुक दंड है उसकी पूरी 26 अस्थियां, उसके बाद में हमने पसलियां 24 ये हो गई हैं और एक हो गई है स्टर्नम। तो इस तरीके से टोटल 80 जो अस्थियां होती हैं वो हमारे अक्षीय कंकाल का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं उसमें आता है हमारा अपेंडिकुलर या फिर उपांगीय जो कंकाल है जिससे कि हमारे उपांगों का निर्माण होता है उसकी बात करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि जो हमारी उपांगीय कंकाल है उसमें कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, 126 कितनी होती हैं उपांगीय कंकाल, यानी इसको क्या कह सकते हैं हम, अपेंडिकुलर जो स्केल्टन है उसके बारे में यहां बात करते हैं। तो उपांगीय कंकाल के अंदर होगा क्या, इसके अंदर टोटल अस्थियां कितनी होती हैं, 126 होती हैं। अब इन 126 को भी यानी इस उपांगीय कंकाल को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक तो होती हैं मेखलाएं, क्या होती हैं मेखलाएं होती हैं, गर्डल्स होती हैं, इसको क्या कहते हैं हम, गर्डल्स मेखलाएं होती हैं, और एक तरफ होते हैं हमारे पादों की अस्थियां, पादों की अस्थियां जिसको हम कहते हैं लिम्ब्स, जो हमारे लिम्ब होंगे। मेखलाओं की अगर मैं बात करता हूं तो इन मेखलाओं में टोटल 6 अस्थियां पाई जाती हैं, कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, 6 अस्थियां पाई जाती हैं, और पादों की अस्थियों की बात करेंगे तो अब इसके अंदर कितनी बच गई, 120 अस्थियां यहां पर होती हैं, और एक एक अस्थि को हम आराम से देखेंगे समझेंगे, आपको ये सब याद हो जाएगा। मेखलाओं की और बात करते हैं तो इसको दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है जो आप सभी को पता है, एक तो होता है पेक्टोरल गर्डल्स यानी कि जिसको कहते हैं हम अंश मेखला, क्या कहते हैं हम, अंश मेखला, और एक होती है हमारी पेल्विक गर्डल, श्रोणि मेखला, श्रोणि मेखला, यानी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक तो है हमारी अंश मेखला और एक है हमारी श्रोणि मेखला। अगर अंश मेखला की बात करते हैं तो अंश मेखला का मतलब होता है जो हमारे ऊपर वाले जो पाद हैं, पादों की अस्थियां हैं उनका निर्माण करने वाली जो मेखला है वो तो कौन सी होंगी, अंश मेखला, और जो हमारे पैर वाला जो हिस्सा है यानी कि कटी से नीचे वाला, कमर से नीचे वाले हिस्से की जो अस्थियां हैं वो किस में आती हैं, पेल्विक गर्डल्स में आती हैं। इस अंश मेखला की बात करते हैं तो इसके अंदर कितनी अस्थियां होती हैं, टोटल 4, 2+2। अब ये 2+2 क्यों लिखा है मैंने, कि दो अस्थियां इस तरफ और दो अस्थियां इस तरफ होती हैं। इन दो अस्थियों की अगर नाम की भी बात करते हैं तो एक को कहते हैं स्कैपुला और एक होती है आपकी क्लेविकल। स्कैपुला और क्लेविकल, स्कैपुला और क्लेविकल, इसका मतलब क्या होगा, जो स्कैपुला वाला जो भाग है
वो क्या होगा, हमारा जो पीछे वाला जो कंधे वाला पार्ट बनाता है, ये पीछे वाला जो पार्ट है वो किस में आता है, स्कैपुला में आता है। और क्लेविकल में क्या आती है, जो हमारे सामने कंधे की अस्थि है ये वाली, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉलर बोन भी कहते हैं, कॉलर की हड्डी, कॉलर बोन, कॉलर वाली जो अस्थि है हमारी, ये सामने वाली जो अस्थि है वो किस में आती है, क्लेविकल जिसको कहते हैं। तो एक ही हो गई, एक ही हो गई, तो एक तरफ दो और एक तरफ दो, टोटल कितनी हो जाएंगी, ये चार हो जाएंगी। अगर बात करते हैं श्रोणि मेखला की, तो इसके अंदर कितनी अस्थियां होती हैं, दो, ठीक है, पेल्विक गर्डल में कितनी होती है, दो, एक तरफ एक और एक तरफ एक। इस तरीके से इनको बांटा जाता है, सबसे पहले मेखला तथा पादों की अस्थियों में। इसके अंदर भी मेखलाएं भी दो प्रकार की, अंश मेखला और श्रोणि मेखला। अंश मेखला में चार और श्रोणि मेखला में कितनी अस्थियां, दो अस्थियां पाई जाती हैं। एक स्क्रीनशॉट इसका लें, फिर बात करते हैं पादों की अस्थियों की। इसके बाद में बात करते हैं पादों की जो अस्थियां हैं, यानी हमारे लिम्स हैं उनकी, तो हमारे जो पादों की अस्थियां हैं वो कितनी होंगी, 120 होंगी। अब 120 भी किस तरीके से होंगी, कि जो अग्रपाद हैं हमारे, अग्रपाद हैं जिनसे हमारे हाथों का निर्माण हो रहा है, उसमें टोटल 60 अस्थियां होंगी। और जो हमारे पश्चपाद हैं उनमें भी कितनी होंगी, 60 अस्थियां होंगी। यानी बात करें अगर हम किसकी, पादों की अस्थियों की, पादों की अस्थियां यानी हमारे लिम्स, इन लिम्स को भी दो पार्टों में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से पार्ट होंगे, एक होगा अग्रपाद, या इसको कहेंगे हम फोर लिम्ब, इसको कहते हैं अग्रपाद, और एक होता है हैंड लिम्ब, इसको कहते हैं हम पश्चपाद। तो दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब, यानी अग्रपाद और पश्चपाद। अगर मैं अग्रपाद की बात करता हूं तो इसके अंदर कुल कितनी अस्थियां होंगी, 30 + 30, टोटल कितनी हो गई, 60 अस्थियां तो इधर होंगी, और वही सेम यहां होती है। इस तरीके से, क्योंकि यहां टोटल कितनी होती है, 120 होती हैं, इस तरीके से यानी कि 30 अस्थियां एक तरफ एक हाथ में और 30 अस्थियां दूसरे हाथ में होती है, टोटल हो गई 60, और टोटल 30 अस्थियां एक पैर में और 30 अस्थियां दूसरे पैर में होती हैं। इस तरीके से अगर इनके अस्थियों की हम बात करते हैं, एक एक अस्थि को देखते हैं, सबसे पहले आता है, सबसे पहले जो हमारे हाथ की हड्डी है वो ये वाली, इसको क्या कहते हैं हम, ह्यूमरस, ह्यूमरस। ये ह्यूमरस की बाद में जो नेक्स्ट अस्थि आती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। इसके बाद में आती है अल्ना, फिर आते हैं हमारे जो अल्ना वाला पार्ट हो गया, रेडियस और अल्ना दोनों ये जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद में आता है, उसको कहते हैं हम कार्पल्स, फिर आता है मेटा कार्पल्स, और लास्ट में आते हैं फेलेंजेस। जो रेडियस, हिंदी में लिख देता हूं रेडियस, इनको ऐसे ही याद रखना, आप हिंदी के चक्कर में मत पड़ना, हिंदी के जो नाम है वो बहुत अजीब है, नहीं याद हो पाएंगे। इनको कहते हैं कार्पल्स, ये होते हैं मेटा कार्पल्स, और ये होते हैं अंगुलास्थि। देखिए जो ह्यूमरस है इसकी संख्या कितनी होती है, एक होती है, ये हमारे हाथ की सबसे कठोर अस्थि अस्थि है, ये सबसे बड़ी अस्थि होगी यहां की, ठीक है। इसके बाद में रेडियस की भी एक, अल्ना भी कितनी होती है, एक होती है। कार्पल्स की अगर मैं बात करता हूं, देखो कार्पल्स क्या होते हैं, जो हमारी ये मणिबंध बनता है, यानी कि जहां पे जो हमारी कलाई है, जहां से हमारा आगे वाला हाथ इससे जुड़ता है, किससे, रेडियस और अल्ना से जहां जुड़ता है वो वाला पार्ट होता है, यहां पर टोटल 8 अस्थियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं,
आठ पाई जाती हैं। ये जो आठ अस्थियां होती हैं ये एक दूसरे के ऊपर विसर्पण गति करती हैं, एक दूसरे के ऊपर पिसलती हैं। आप कभी इस चीज को नोट करें, यहां पर हाथ यूं लगाकर और अपने हाथ का मूवमेंट करके देखें, आपको खुद को लगेगा कि हाँ यहाँ की जो अस्थियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर सरकती हैं, एक दूसरे के ऊपर विसर्पण गति करती हैं। उसके बाद में जो हमारे मेटाकार्पल्स आते हैं, यानी जो आपकी जो हथेली वाला भाग है, इसके अंदर आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5, जितने आपके उंगलियां और ये अंगूठा है, यानी 5 हैं आगे वाले। तो इसके लिए 5 जो ये होती हैं अस्थियां, जिनको हम क्या कहते हैं, मेटाकार्पल्स कहते हैं। कितनी होंगी, 5 होंगी। इसके अलावा जो फेलेंजेज होते हैं, फेलेंजेज मतलब अंगुलास्थि होती हैं, इनकी संख्या होती है 14। किस तरीके से होती हैं कि 3-3 तो आपके उंगलियों में, तो 12 तो ये होगी, और 2 आपके अंगूठे में। अंगूठे में केवल 2 ही अस्थियां पाई जाती हैं, ये ध्यान रखना। जिसको भी ये कन्फ्यूजन हो कि अंगूठे में भी 3 अस्थियां हैं, आप खुद एक बार नोट करें, देखें इसको अच्छे से, अपने अपने इस पार्ट को, आगे वाला एक पार्ट, दूसरा ये, और तीसरा तो ये क्या है, मेटाकार्पल्स है, जो कि यहां जाकर इस मणिबंध से जुड़ा हुआ है। लेकिन इनकी बात करेंगे उंगलियों की, तो 1, 2 और 3, 3 के बाद में ये मेटाकार्पल स्टार्ट होता है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी यहां तक। इसके बाद में अगर हाइंड लिम्ब की बात करते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहली अस्थि जिसको हम कहते हैं फीमर, क्या कहते हैं, फीमर, नेक्स्ट आती है टीबिया, टीबिया, इसके बाद में आती है फिबुला, इसमें तो क्या होते हैं, कार्पल्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं, टार्सल्स कहते हैं, टार्सल्स। नेक्स्ट मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स। नेक्स्ट लास्ट, जैसे इसके अंदर फेलेंजेस हैं, इसमें भी क्या होती हैं, वही फेलेंजेस होती हैं। लेकिन एक अस्थि इसके अंदर अलग से होती है इस वाले पार्ट में, जिसको मैं अलग से लिखूंगा, कि जो टीबिया और फिबुला है, जहां पे ये दोनों फीमर से जुड़ती हैं, जो हमारी टीबिया फिबुला पैर की सबसे नीचे वाली जो अस्थि होंगी, वो जहां फीमर से जुड़ेंगी उस वाले पार्ट में एक संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं पटेला, या जिसको हम घुटने की जो अस्थि होती है, यानी कि क्या करेंगे उसको, घुटना वाली जो अस्थि होगी, जो नी कैप होगी हमारी, यानी घुटने को जो कवर करने वाली अस्थि है, वो क्या कहते हैं, उसको हम पटेला कहते हैं। कहाँ होती है, टीबिया फिबुला और फीमर के मध्य होती है, जहां ये दोनों जुड़ती हैं वहां पर ये पाई जाती है। अब संख्या की बात कर लेते हैं, तो फीमर कितनी, 1। जंघास्थि कहते हैं इसको, जंघास्थि या जांग वाली जो हड्डी होती है, ये सबसे मजबूत अस्थि है पैर की, सबसे लंबी अस्थि होती है। टीबिया की बात करेंगे तो कितनी होगी, 1। फिबुला भी कितना होता है, 1। पटेला भी कितना है, 1। टार्सल्स, इधर कितने कार्पल्स थे, 8 थे, लेकिन इधर क्या होता है कि एक पटेला एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए इनकी संख्या कितनी हो जाती है, यहां पर 7 रखते हैं हम। आपको ये याद रखने के लिए है, क्योंकि दोनों तरफ वही 60-60 अस्थियां हैं, 30-30 अस्थियां होती है प्रत्येक पाद में, तो इधर क्या होता है, हाथ में ऐसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा पटेला, जिसको हम कहते हैं घुटने वाला नी कैप हमारा, जो उसको ढकने का काम करता है घुटने को, इसकी एक संख्या बढ़ जाने के कारण हम क्या करते हैं, टार्सल्स को एक कम लिखते हैं हमेशा। तो कार्पल्स याद कर लो, वो अपने आप याद हो जाते हैं। मेटाटार्सल्स कितने होंगे, वही 5, और जो फेलेंजेस हैं अंगुलास्थि हैं वो भी यहां कितनी होती है, टोटल 14 ही होती हैं। यानी अगर हम इनकी बात करें टोटल, तो 60 अस्थियां इस तरफ और 60 अस्थियां इस तरफ होती हैं। तो आपको ये समझ में आ गई होगी, एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। तो अब इसके बाद में हम बात करेंगे, हमारी जो अस्थियां हैं ये कंप्लीट हो चुकी हैं, अब बात करेंगे जो अस्थियां हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, यानी कि उनके जो जॉइंट हैं
वो कौन कौन से जॉइंट होते हैं, किस तरीके से ये जुड़ी होती हैं, कितने प्रकार के जॉइंट हमारे पाए जाते हैं, उनकी बात करेंगे। इसके अलावा जो अस्थि है उसको अस्थि से कौन जोड़ता है, उस संरचना को हम क्या नाम देते हैं, अस्थि को उपास्थि से कौन जोड़ता है, उस संरचना को हम क्या नाम देते हैं, इन सभी के बारे में अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जॉइंट्स की, कि हमारे जो शरीर में कितने प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं, यानी कि हमारी संधियां, कितनी संधि पाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो इनको तीन भागों में बांटा गया है, संधियों को तीन भागों में। सबसे पहले कौन सी होती है, रेशीय संधि, रेशीय संधि, फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट का मतलब होता है यह एक अचल संधि होती है। कैसी होती है, देखिए, अचल होती है, यानी कि चल नहीं सकती है, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो जो हमारी करोटी की अस्थियां होती है, ठीक है, जो हमारा खोपड़ी वाला भाग होता है, इसकी जो अस्थियां होती है वो आपस में इस तरीके से जुड़ी होती हैं एक दूसरे से, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि हमारी जो करोटी है वहां पर किसनी है, कितनी अस्थियां हैं, आठ अस्थियां हैं। वो आठ अस्थियां एक दूसरे से, अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे मानते हैं, इस खोपड़ी का ये ऊपर वाला भाग है, तो अगर इसकी बात करते हैं तो आपको कभी संरचना देखने को मिलेगी तो इस तरीके से वहां पर आपको सीचर्स मिलेंगे, ठीक है, कि ये अस्थियां कुछ इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो जो ये भाग है ये इन रेशों के माध्यम से जुड़ जाता है, जो अचल होता है, यहां पर मूवमेंट नहीं होती है। क्या आपकी खोपड़ी की अस्थियां हिल सकती हैं, क्या नहीं हिल सकती ना, तो ये मानो कि ये कैसी होती है, अचल होती है, इनको क्या कहते हैं हम, रेशीय संधि कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है हमारे करोटी की अस्थियां, यहां लिख सकते हैं हम करोटी की अस्थियां, इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो उसको कहते हैं हम अपूर्ण संधि, क्या कहेंगे हम उसको, अपूर्ण संधि। इस अपूर्ण संधि को हम क्या कह सकते हैं, उपास्थीय संधि भी कह सकते हैं। इस जॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, उपास्थीय संधि भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह क्या होता है कि दो कशेरुकियों के मध्य जो होती है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी यहां पर, कि दो कशेरुकियों के मध्य में एक उपास्थि पाई जाती है जो एक विशेष प्रकार की डिस्क का निर्माण करती है, जो हमारे को आघात से सुरक्षा प्रदान करती है। तो यह कैसी होती है संधि, अपूर्ण संधि होती है। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो आप, कशेरुका, कशेरुकी के मध्य कि जो संधि होगी वो कैसी होगी, एक अपूर्ण संधि होती है। अब नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं पूर्ण संधि, क्या कहते हैं हम, पूर्ण संधि, कंप्लीट जॉइंट। इस कंप्लीट जॉइंट का मतलब क्या है, तो आप इधर समझना एक बात, एक डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने, कि अगर मैं बात करता हूं कि एक ये अस्थि है, ठीक है, ये अस्थि का एक सिरा है और यहां पर यह अस्थि का कोई दूसरा सिरा है, ये दो अस्थियां आपस में जुड़ती हैं। होगा क्या, इसके अंदर इन दोनों के मध्य में यहां पर विशेष प्रकार के फाइबर्स पाए जाएंगे, इन दोनों के मध्य यहां पर विशेष क्या पाए जाएंगे, फाइबर्स पाए जाएंगे। इन फाइबर्स के अलावा इनके मध्य में यहां पर एक विशेष द्रव्य भरा होता है, एक फ्लूड भरा होता है। इस फ्लूड के अलावा ये दोनों अस्थियां यहां पर एक विशेष संरचना के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। तो इस प्रकार की जब संधि बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संधि कहते हैं, ठीक है। तो इनका अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एक बोन है और ये भी एक क्या है, बोन है, यानी कि ये क्या है, ये अस्थियां हैं। तो दो अस्थियों को अगर जोड़ने वाली संरचना की मैं बात करता हूं तो हम उसको क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। तो आपके सामने दो पॉइंट आ गए हैं,
बोन को किससे जोड़ेगा? बोन से। कौन जोड़ेगा? लिगामेंट। क्लियर है? और अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि बोन को किससे जोड़ेगा? मसल से। इसको कौन जोड़ेगा? उसकी संरचना का नाम है टेंडन। और यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं स्नायु और इसको कहते हैं कंडरा। क्या कहते हैं इसको? स्नायु और इसको कहते हैं कंडरा। ये आप अभी नोट कर लें, ठीक है, कि बोन को बोन से कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। और बोन को मसल से, हमारी पेशियों से कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। क्लियर रहेगा? अब इस पूर्ण संधि में क्या होगा कि जो बोन को बोन से, एक तो लिगामेंट जोड़ेगा, पहली संरचना। दूसरा, यहां पर कुछ गद्दीदार उपास्थियां पाई जाएंगी, ये दूसरी संरचना। और तीसरा क्या है कि बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, एक द्रव भरा होता है, इस द्रव को भी साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो इस प्रकार की जब संधि बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संधि कहते हैं। तो ये समझ में आएगा आपको कि पूर्ण संधि क्या होती है, अपूर्ण संधि क्या होती है और रेखीय संधि क्या होती है। क्लियर रहेगा? अब पूर्ण संधि की अगर मैं बात करता हूं तो इसके भी कई प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले प्रकार की बात करें, एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इस डायग्राम का भी। इसके बाद में पूर्ण संधि की अगर मैं बात करता हूं तो इस पूर्ण संधि को भी कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहला प्रकार जो इसका आता है उसको हम कहते हैं, जो सबसे पहला होता है इसका, उसे कहते हैं बॉल सॉकेट संधि, कंदुक खल्लिका संधि, कंदुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें क्या होता है, समझना इस चीज को, कि एक तरफ एक सॉकेट बना होगा इस तरीके से, ठीक है, और इस सॉकेट के अंदर एक विशेष जो अस्थि जो यहां से जुड़ने वाली है, मानते हैं कि यह अस्थि इससे जुड़ेगी। तो इस तरीके से एक तो क्या होगा, सॉकेट होगा और एक बॉल जैसी संरचना होगी, बिल्कुल राउंड संरचना होगी, वो इसके अंदर फिट हो जाती है। तो इसी जो संधि बनती है यहां पर उसको हम क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट संधि कहते हैं। यानी कि जॉइंट कैसा होगा? ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होगा। अब एग्जांपल की बात करते हैं तो कहां पाई जाती है, तो हमारी जो अंश मेखला है उस अंश मेखला से जो हमारा ये हाथ जुड़ा होता है, यानी हमारी ह्यूमरस जुड़ी होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, आप लिख सकते हैं कि अंश मेखला से ह्यूमरस ये जो जुड़ती है, इसके अलावा श्रोणी मेखला से कौन जुड़ेगी? फीमर का जो जॉइंट होगा वो कैसा होता है? बॉल एंड सॉकेट टाइप का होता है। इसके अलावा इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 360 डिग्री पूरा घूम सकता है। इसी वजह से हमारा जो हाथ है ये पूरा घुमाया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा सॉकेट पाया जाता है, मतलब कौन सी संधि पाई जाती है? बॉल एंड सॉकेट संधि पाई जाती है। तो आपको ये समझ में आ गई। नेक्स्ट की बात करते हैं तो उसको कहते हैं हम कब्जा संधि। आप नोट करते रहना इन चीजों को, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा ही जाता है हमेशा। नेक्स्ट आता है सेकंड, कब्जा संधि, हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट, ठीक है। इस कब्जा संधि में क्या होगा कि जैसे हमारे दरवाजे होते हैं और दरवाजों के जो हमारे कब्जा, जिसको हम कब्जा बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे सॉकेट लगते हैं जिससे कि दरवाजा एक तरफ ही खुल पाता है, दूसरी तरफ नहीं खुल पाता है, ऐसा जहां भी संधि बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? कब्जा संधि कहेंगे। कहां होती है? तो जैसे हमारा ये हाथ है, इस हाथ की जो संधि है वो कैसी है? कब्जा संधि, क्योंकि ये हाथ केवल एक तरफ ही काम कर पाता है, दूसरी तरफ
नहीं मुड़ पाता है। तो कैसी संधि होगी यहां पर, कब्जा संधि होगी। अब आप खुद अपने शरीर में इन चीजों को जो नोट करें, आप देखें, प्रेक्षण करें इस चीज का कि कहां कहां कब्जा संधि हो सकती है। जैसे आपके पैर घुटना वाला जो भाग है एक तरफ ही मुड़ता है, आपकी जो उंगलियां हैं ये उंगलियां ये भी क्या होती है, केवल एक तरफ ही जाती है यहां से, तो इनके अंदर भी क्या होती है, कब्जा संधि पाई जाती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लिखें यहां पर कि ह्यूमरस तथा रेडियस अल्ना के मध्य, एक तो ये हो गया, और दूसरा आप लिख सकते हो फीमर और टीबिया फिबुला के मध्य जो होगा। इसके अलावा जो हमारे फेलेंजेस होते हैं उनके अंदर, उनके मध्य भी यही वाली संधि पाई जाती है। समझ में आ गई। नेक्स्ट की बात करता हूं तो नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आती है दुराग्र संधि। धुराग्र संधि, धुराग्र संधि को बोलते हैं हम पाइवेट जॉइंट। पाइवेट जॉइंट का मतलब होता है, एक धुराग्र का मतलब होता है धुरी पर, यानी हम क्या कह सकते हैं, एक एक्सिस पर। क्लियर है। और एक्सिस पर हमारे शरीर में जो हमारी एक्सिस है, जिसको हम क्या, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, दो अस्थियां बताई थी आपको सर्वाइकल में, ग्रीवा में, एक एटलस और एक एक्सिस बताई थी आपको। एटलस के बारे में मैंने बोला था कि वो यस बोन होती है, और एक्सिस में मैंने बोला था वो नो बोन होती है। तो वहां पर जो एक्सिस है उस पर क्या होता है कि एक अस्थि पर पूरा जो भाग है, दूसरी अस्थि है वो क्या करती है, घूमती है, रोटेट करती है। ठीक है, तो उस वाली संधि को हम क्या कहेंगे, दुराग्र संधि कहते हैं या पाइवेट जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आता है आपका ग्लाइडिंग या विसर्पी, विसर्पी संधि, इसको कह सकते हो आप ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग जॉइंट के अंदर अभी मैंने बताया था विसर्पी कहां पाई जाती है, हमारे हमारी जो कार्पल्स होती हैं यहां पर ये संधि पाई जाती है, जहां पर जो क्या होगा कि विशेष प्रकार की जो ये बनी हुई है अस्थियां, ये एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, एक दूसरे के ऊपर विसर्पण करती हैं, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, विसर्पी संधि होती है। एक लास्ट जिसको कहते हैं सैडल, सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट जो होता है ये अंगूठे में पाया जाता है, जो हाथ का अंगूठा होता है इसके अंदर एक विशेष प्रकार की ये गति पाई जाती है, जो हमारे शरीर में केवल यहां पाई जाती है। आप देखना इसकी जो गति है, इसके अंदर आप जब इसको यूं घुमाते हैं चारों तरफ, रोटेट करते हैं 360 डिग्री घूमता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये क्या घूमता है, 360 डिग्री पूरा घूमता है, प्लस जब भी ये घूमता है तो बीच बीच में अटक अटक के घूमता है। आप खुद इसे नोट करें कि ये अटकता है इस तरीके से, यानी झटके मार मार के ये चलता है, तो इस प्रकार की जो संधि होती है उसे क्या कहते हैं, हम सैडल जॉइंट कहते हैं। तो यहां पे आपकी ये जॉइंट भी खत्म होते हैं। अब तक आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि यहां से क्वेश्चन बहुत बार बनता है, इसको याद रखना कि बोन टू बोन लिगामेंट, बोन टू मसल टेंडन। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत मज़ा आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप अपने सभी साथियों तक हमारे जो चैनल का लिंक है इसको पहुँचाएँ, वीडियोज़ का लिंक पहुँचाएँ, ताकि अधिक से अधिक जो लोग हैं इससे हमारे से जुड़ पाएँ। और इसी तरीके से हम नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे हर दिन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।